हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवं सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं टॉपर के टॉप सीक्रेट टिप्स। और ये टिप्स सिर्फ ज़्यादा नहीं, पांच ऐसे बताने वाला हूं और ये पांचों के पांचों आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में टॉप करना, आप चाहते हैं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना, आप चाहते हैं और लोगों से हटकर पढ़ाई करना, आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें सब कुछ आपके माइंड में रहे, आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले टेंशन फ्री रहना, तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं। उन बातों को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कि सबसे पहले नंबर का पॉइंट है हर दिन पढ़ाई करना और खुद पर विश्वास करना। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि आज पढ़ लिए और चार दिन नहीं पढ़े, चार दिन बाद एक दिन चार घंटे पढ़ लिए, फिर दो दिन बाद फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको किसी चीज को सीखना है, समझना है, तो प्रॉपर आपको डेली स्टडी करनी होगी। डेली एक दूसरे से चीजें लिंक होती हैं, तभी चीजें समझ में आती हैं। और विश्वास आप जब खुद पर नहीं कर सकते तो आपको बता दें दूसरे तो आप पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि हाँ तुम इस चीज़ को कर सकते हो, तुम हर एक चीज़ को याद कर सकते हो, तुम हर चीज़ में अव्वल आ सकते हो, हर चीज़ में तुम समझने में सक्षम हो सकते हो। मतलब आपको अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ना कि नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। दूसरे नंबर का है टीचर की बात का सम्मान करना। जो टीचर्स की बात का सम्मान करते हैं, जो टीचर्स की बात को अच्छे से समझते हैं, जो टीचर की बात को टालते नहीं हैं, जो टीचर की बात को फॉलो करते हैं, वही बच्चा तो टॉपर बनता है। आपको बता दें, टीचर अगर बच्चे को कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो सिंपल सी वाली बात है, उस बात में कहीं ना कहीं दम बहुत होगा। लेकिन आप क्या काम करते हो, टीचर की बात को हल्के में ले लेते हो। कोई टीचर आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई टीचर आपके लिए मेहनत करने में लगा हुआ है, कोई टीचर आपको अपने जो टॉप सीक्रेट हैं सब बातें बताने के में लगा हुआ है, लेकिन आप नहीं सीखते। हर एक टीचर आप लोगों के लिए तैयार खड़ा हुआ है कि आपके नंबर अच्छे आ सकें, लेकिन आप उनकी बात को नहीं मानते। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को जो टॉपर लोग होते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो हर एक बच्चा टीचर की बात को ना मानकर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, और उस बड़ी गलती का वो नतीजा देखते भी हैं। एक क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उसमें से तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कुछ के बहुत बेकार। लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरीके से बोलें कि कुछ के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ज़्यादातर के बेकार, ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरी क्लास में कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। बाकी के जो बच्चे होते हैं टीचर की बात को ठीक से फॉलो ना करने के कारण, उनकी बातों को सीरियस ना लेने के कारण, वो अपना बेड़ा खुद गर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी भी मैं बातें आप लोगों को बताता हूँ, आप टेस्ट कीजिए। आपको बता दें, आपको इन चीज़ों से, मेरी वीडियोज़ के माध्यम से, मेरी स्टडी के माध्यम से, मेरे अपने टॉप सीक्रेट के माध्यम से, मेरी बताई हुई हर चीज़ के माध्यम से, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको क्या काम करना है, कोई भी टीचर सही, उनकी बातों को आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए, तीसरे नंबर का है टेस्ट पेपर सॉल्व करना। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो, तो आपको टेस्ट पेपर बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। अगर जो स्ट्रांग है तो आप क्या काम करेंगे, उसको रिविजन के लिए लास्ट में छोड़ देंगे, और जो तुम्हारा वीक है उस पर आप अभी से दोबारा लग जाएंगे और उस पर आप अपना फुल फोकस के साथ उस चीज़ को स्ट्रांग बनाने में लग जाएंगे। अगला है एग्जाम हॉल में टेंशन फ्री रहना। एक स्टूडेंट ऐसा है जो एग्जाम से पहले उसके तोते उड़े रहते हैं कि सर हमसे पेपर में बहुत अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम पर कुछ आता नहीं है, हमारे बहुत सी चीजें भूल चुके हैं, कैसे याद करें। मतलब हजार प्रकार की टेंशन होती है एक बच्चे के मन में। लेकिन एक जो टॉपर बच्चा होता है, आपको बता दें, वो एग्जाम से पहले इतनी स्टडी कर चुका होता है कि उसे एग्जाम की अब चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, जो बच्चा बहुत समय पहले से प्रिपरेशन करने में लगा हुआ है, उसने सारे डाउट अपने क्लियर करके रखे हुए हैं, सारे जो नोट्स हैं अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखा हुआ है, नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, चीज़ों को सीखा है, डेली पढ़ा है, डेली प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम से पहले वो तो फुल माइंड में रहेगा ना। और जो बच्चा एवरेज बच्चा, वो क्या काम करता है, हॉपलेस हो जाता है पेपर में। हॉपलेस होने का मतलब है कि पेपर को वो ठीक से पढ़ तक नहीं पाता, क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहा है, वो लिखकर कुछ और चला आया। पेपर में समझने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब आप हॉपलेस हो जाते हैं एग्जाम में, जिसके कारण आपके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। और एक टॉपर बच्चा जो होता है वो कूल माइंड से बैठा होता है, कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ता है, समझता है और उसके बाद में आंसर देता है। और आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ा हड़बड़ी में, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, उल्टा सीधा जवाब लिखा, चल गया, आपको लगता है कि टीचर पूरे नंबर दे देगा, लेकिन नहीं है भाई ऐसा। आपको बता दें, आपके नंबर इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि आप चीज़ों को बिना सोचे, बिना समझे, हर एक तरीके से जो मन में आता है वो लिखना शुरू कर देते हो। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो कॉपी में गाने तक लिखकर चले जाते हैं। अरे भाई, ये कौन सा तरीका है? कोई अपनी मतलब की लव स्टोरी लिख के चले जाते हैं, ये कौन सा तरीका? भाई ऐसा नहीं करना होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आप उसका जवाब दीजिए, अन्यथा बाकी की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका असर जो टीचर है उस पर बहुत, टीचर पर मतलब आप ये बोल सकते हैं, जो टीचर है आपका असर उस पर बहुत बड़ा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा?
क्यों पड़ेगा? आपको बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप फालतू की बातों को लिख रहे हो, और फालतू की बातों को लिखोगे तो वो आपके नंबर को काट देंगे। और आपको लगता है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, सर हमारी माँ बीमार थी या पिता बीमार थे, ऐसी चीज़ें आप बहुत से बच्चे लिख के चले आते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, फालतू की जो पागलपंती है कॉपी में ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। लास्ट है, पेपर से पहले रिविजन जरूर करें। आपको बता दें, एग्जाम से एक महीने पहले आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। सिलेबस जैसे आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप लोगों को एक महीने तक लगातार चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। सब चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं अच्छे तरीके से, आप मतलब एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट कर पाते हो। मतलब कहने का है कि रिवीजन की जो पावर है वो बहुत अल्टीमेट है। अगर आप एग्जाम पूरे साल बहुत अच्छे पढ़ लिए, अगर आपने एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं कर रखा है, तो यकीन मानिए आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना सही, आप उस बच्चे से नंबर कम लेकर आएंगे जो लास्ट टाइम में रिवीजन करके जा रहा है। तो रिवीजन आप लोगों को बहुत जरूरी है, आपको करके जाना ही चाहिए। और आपको बता दें, इन सभी जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सभी पॉइंट आपके तब काम करेंगे जब आपके अंदर टॉपर बनने की ललक होगी। अगर आप टॉपर बनने की ललक नहीं रख रहे और सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ बस पास हो जाएं, तो आपको बताएं सिर्फ आप पास ही होंगे। अगर आप टॉपर बनने के लिए सोच रहे हो, तो आपको टॉपर जैसे अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, उसके जैसा लिखना पड़ेगा, उसकी तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तो टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह फिर सोचो, फिर आपको एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना। बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने में हमारी